हेलो दोस्तों, नमस्कार। वापस एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैशबैक क्रेडिट कार्ड SBI के माध्यम से आप कैसे ले सकते हैं, वो भी फ्री में। एक भाई का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बार बार लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम SBI के माध्यम से फ्री में क्रेडिट कार्ड और कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, SBI ने ये नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस है सबको स्टेप बाय स्टेप आप अगर देख लेते हैं तो आप भी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। वो भी आपको एक और जानकारी मैं बता दूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं घर से ऑनलाइन। दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं और या इस क्रेडिट कार्ड को आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक दी फाइनेंस इंडिया यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। साथ ही दोस्तों, किसी प्रकार का अगर फाइनेंस रिलेटेड क्यूरी है तो आप कमेंट करके कमेंट में मेरा पूछ सकते हैं दोस्तों। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, इस वीडियो को भी आप जाकर वॉच कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो आइए, हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड आप कैसे ले सकते हैं। तो एक नया पेज ले लेना है आपको, न्यू टैब ले लेना है। अगर आप स्मार्टफोन के माध्यम से वीडियो को वॉच करना है तो किसी भी सर्च इंजन गूगल क्रोम या किसी को भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सर्च करना है। तो सर्च बार में आप जाकर सर्च करना है SBI कार्ड, SBI कार्ड आपको सर्च करना है इस तरीके से और यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे SBI कार्ड आप सर्च करके इंटर कीजिएगा तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली ये बात है कि इसको ध्यान देना है www.sbicard.com वाले जो होंगे उसी पे हमको क्लिक करना है, दूसरे वाले पे किसी पे हमको क्लिक नहीं। तो उस पे हम क्लिक कर देंगे आसानी से। तो क्लिक करने के बाद क्या हो कि इस तरीके से SBI का जो भी क्रेडिट कार्ड का जो पेज होगा वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। देन अब क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5% कैशबैक दे रहा था, हमको यहाँ पर सिंपली चलना है क्रेडिट कार्ड्स में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देन यहाँ पर लाइफ स्टाइल के नीचे यहाँ पर रिवार्ड में जाना है। दोस्तों, किसी प्रकार का अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको चले आना है रिवार्डेड में और रिवार्डेड पे हम क्लिक कर देंगे। रिवार्डेड पे हमको क्लिक करने के बाद इस तरीके से लेआउट खुल के आएगा पेज। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका खुल के आ गया है लेआउट, यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं। तो ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। दोस्तों, इसके कुछ हम फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका जो भी फीचर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फीचर्स में आ जाता है कि नो ज्वाइनिंग फी, आपको किस तरह का अगर इसके लेते हैं तो इसको किस तरह का आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है। और देन आपको 5% आपको कैशबैक मिल जाएगा एवरी ऑनलाइन स्पेंड विदाउट एनी मर्चेंट रजिस्ट्रेशन के, यहाँ पर मतलब 5% आपको कैशबैक मिलेगा। 1% कैशबैक मिलेगा आप ऑफलाइन स्पेंड करते हैं, जैसे मॉल में गए वहाँ पर एक्सपेंड कर दिए, तो इस तरीके का आपको कैशबैक मिलता है इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। यहाँ पर SBI कार्ड प्राइम वगैरह दिया हुआ है। तो किसी भी क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाके आप क्लिक कीजिए और देख सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि इसका कैशबैक SBI कार्ड के बारे में आपको बताने वाला, तो इसका थोड़ा सा टर्म कंडीशन हम जान लेंगे लर्न मोड पर जाकर। और यहाँ पर ओपन ए न्यू टैब करेंगे यहाँ पर, तो एक नया टैब खुल के आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो भी है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये खुल के आ गया, ऊपर देख सकते हैं ज्वाइनिंग फी वगैरह है किस तरह का यहाँ पर। और ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा इसके फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर फी और चार्जेस की बात कर रहे हैं, एक मैं बात बता दूँ आपको यहाँ पर कि ज्वाइनिंग फीस तो नहीं लगेगा बट इसका री एनुअल चार्ज आपको देना पड़ेगा, जिसे 1 साल के लिए आपको फ्री रहेगा। नेक्स्ट ईयर में आपको देना पड़ेगा 999 रुपये, 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा ऑनवर्ड। और री एनुअल फी रिवाइज एनुअल स्पेंड फॉर लास्ट ईयर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा, अगर इतना करते हैं स्पेंड तभी आपको री एनुअल चार्ज देना पड़ेगा, अन्यथा किसी तरह का री एनुअल चार्ज आपको नहीं देना है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मोड़ा आपको टर्म कंडीशन भी बता दें। यहाँ से दोस्तों, आप कैशबैक भी का अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फीचर्स में आकर और फिल डिटेल्स यहाँ पर फॉर डिटेल्स के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है और मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। अगर जिन भाई को भी चाहिए तो कमेंट में कमेंट करें, मैं कमेंट में इसका लिंक PDF का पिन कर दूंगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप सब कुछ थोड़ा सा आपको बता दें जो भी आपको थोड़ा मोड़ा था इसका। और यहाँ पर सिंपली हम चले जाते हैं अप्लाई नाउ पे। तो अप्लाई नाउ पे हम आते हैं,
तो अप्लाई नाउ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको पैन कार्ड, फोटोग्राफ और आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स आपको चाहिए, तभी आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो इस तरीके से ये चार चीज़ आपको चाहिए। और देन हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर स्टार्ट अप्लाई पे हम क्लिक कर देंगे, और देन यहाँ पर मात्र हमको 3 स्टेप लगेगा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। सबसे पहले हमको पर्सनल डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, जिसमें नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जियो भी वगैरह रहेगा। यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स डालेंगे हम, ओके ऑप्शन, डिटेल्स, कंपनी नेम, और यहाँ पर EKYC करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप हमको क्लिक करना है। तो फर्स्ट स्टेप जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेम डाल देना है, यहाँ पर बिल्डिंग नेम डालेंगे, और यहाँ पर फोन नंबर डाल के, और यहाँ पर टर्म कंडीशन पे एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट वाले में चले आइएगा। यहाँ पर क्या करना है, ओके ऑप्शन डालना है, डेस्टिनेशन डालना है, यहाँ पर ये तीर वाला निशान यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको फिल करने के बाद आपको KYC डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। मैं इस कार्ड को अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इस कार्ड को ले चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर KYC डिटेल्स करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा दोस्तों, तो सबमिट करने के बाद आपको एक के नंबर मिल जाएगा, अनवर्ड नंबर। वहाँ से आपको SBI कार्ड वाले तुरंत कॉल करेंगे, और थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है, और जो भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन है यहाँ पर डाले हुए, जो भी एड्रेस, उस एड्रेस पर आपको कैशबैक SBI कार्ड आपको डिस्पैच कर दिया जाता है, और आसानी से इस कार्ड का आप आनंद ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्रेडिट कार्ड को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। वीडियो से थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो भी आपको जानने वाले हैं उनको वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।